And when a woman conceives, there is no physical manifestation. तो जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो कोई शारीरिक प्रकटीकरण नहीं होता. Okay, the moment the word of the Lord is preached and you receive it, you conceive that word. तो जिस क्षण परमेश्वर का वचन यहाँ से प्रचार होता है और आप इसे ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर गर्भधारित होता है. Even though you have not seen any physical manifestation at that time. यद्यपि आपने उस क्षण में कोई शारीरिक प्रकटीकरण नहीं देखा. But in the coming days. लेकिन आने वाले दिनों में. You cannot hide it. आप उसे छुपा नहीं पाएंगे. People will see that you are pregnant with the things of the Lord. लोग देखेंगे कि आप परमेश्वर की चीजों से गर्भवती हैं. Amen. Amen. Can a pregnant lady hide her pregnancy? क्या कोई गर्भवती स्त्री उसका गर्भधारण छुपा सकती है? No. नहीं. In the same way, when you receive the word of the Lord, उसी रीति से जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, you will not be able to hide His prosperity, His blessings, His love, His favor, His kindness, His mercy in your life. आप छुपा नहीं पाएंगे परमेश्वर की हर एक आशीष को. वो दिखेगी, लोग उसे देखेंगे, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे शांति हो, आनंद हो, उसका सब कुछ. People will come to you and say, "Hey, what has changed in your life? You look different." लोग आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे, हे, आप बहुत अलग दिखते हैं, ऐसा क्या हो गया? हे, आई ऑलवेज सीन यू, यू नो, मेकिंग फ्राउनी फेसेस, नाउ आई कैन सी यू आर जॉयफुल. मैंने आपको पहले देखा है, आप पहले बहुत दुखित दिखते थे, लेकिन आप बहुत आनंदित दिखते हैं. क्या बदल गया? व्हाट हैज हैपेंड? क्या बदल गया? क्या हो गया? द वर्ड यू रिसीव फ्यू मंथ्स बैक इज नाउ ब्रिंगिंग फोर्थ फ्रूट. तो वो वचन जो आपने कुछ महीनों पहले ग्रहण किया, अब वो फल को लेके आ रहा है. राइट? And if you can receive that word, और अगर आप उस वचन को ग्रहण कर लें, you will bring forth that word. तो आप उस वचन को प्रकट करेंगे. Amen. Faith has nothing to do with what you can see, what you can touch, what you can feel, what you can smell, what you can taste. परमेश्वर वाला जो विश्वास है वो आपकी पांच इंद्रियां, शारीरिक इंद्रियों से संबंध नहीं रखता, वो अलग है. Faith comes out from your heart. विश्वास आपके हृदय के अंदर से आता है. Amen. Amen. And God wants to use us to show the world who He is. तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर कौन है. God wants to use you to show the world who He is. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है दुनिया को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है. Amen. And as I had said earlier, the moment Mary believed the word of God, she conceived Jesus. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस क्षण मरियम ने उस वचन को ग्रहण किया, वो गर्भवती विद जीसस, यीशु मसीह के साथ. एंड द मोमेंट यू हर्ड द गॉस्पल, यू वर कंसीव्ड विद जीसस. और जिस क्षण आपने सुसमाचार को सुना, आप उसी क्षण आपके अंदर यीशु मसीह आ गया, आप उससे गर्भधारित हुए. Amen. Amen. Are you with me? मेरे साथ. And sooner or later, people are going to see Jesus walking in your life. और बहुत जल्दी ही लोग आपके जीवन में यीशु को चलता फिरता हुआ देखेंगे. And when Jesus walks with you, और जब यीशु आपके साथ चलता है. When Jesus walks with you, और जब यीशु आपके साथ चलता है. When Jesus walks with you, और जब यीशु आपके साथ चलता है. You walk exactly like Him. आप उसी के जैसे चलते हैं. Amen. Amen. The people, Israelis, were able to recognize Peter because they said he speaks like Jesus. लोग इस रीति से पतरस को पहचान पाए कि वो यीशु का है, क्योंकि वो यीशु की तरह चलता फिरता था. Amen. Amen. And you know what happens when you receive, you conceive him in your heart. तो आप जानते हैं क्या होता है जब यीशु आपके अंदर गर्भधारित होता है. You don't know, but if you will just rejoice like Mary and you will say that, for behold, because I have received Jesus, henceforth all generations will call me blessed. Amen. तो जैसे मरियम ने कहा, आप भी कहेंगे कि अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे. Many people don't understand what happens when you receive a word. बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि क्या होता है जब आप वचन को ग्रहण करते हैं. And how great power is in the word that is sent. और कितनी महान सामर्थ्य उस वचन में है जो भेजा गया है. Bible says that Jesus was walking in the water in the midst of storm and tempest. Bible hame batati hai ki bhayankar aandhi toofan ke beech mein Yeshu pani ke upar chal raha tha. And Peter saw him. Aur Patras ne use dekha. And he said, "Master, if it is you." Aur usne kaha ki swami agar tu hai, then ask me to come. To mujhse keh ki main bhi aaun. And Jesus said one word.
और यीशु मसीह ने एक वचन कहा कम आ जा. इफ यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के वचन को सामर्थ को समझेंगे, वन वर्ड फ्रॉम गॉड कैन मेक यू वॉक इन वॉटर. एक शब्द यीशु की ओर से आपको पानी पर चलता हुआ बना. यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट स्कॉलर, आपको एक बहुत ही विद्वान होने की जरूरत नहीं है. पीटर रिसीव्ड द वर्ड कम, पतरस ने उस वचन को जो यीशु ने कहा कि आ, उसको ग्रहण किया. एंड दैट वर्ड, व्हाट डिड दैट वर्ड डू, और उस वचन ने क्या किया. दैट वर्ड मेड द वॉटर लाइक सीमेंट दैट पीटर वॉज एबल टू वॉक इन द वॉटर. और उस वचन ने क्या किया कि उस वचन ने उस पानी को परिवर्तित कर दिया सीमेंट में, ताकि वो चल सके. बट मेनी पीपल डू इज दे जस्ट ट्राई टू मक अप द बाइबल. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं बाइबल को. इट वोंट प्रॉफिट यू एनीथिंग, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. अनटिल द रिवेलेशन ऑफ गॉड कम्स इन योर लाइफ, जब तक कि परमेश्वर का वो प्रकाशन आपके जीवन में ना आ जाए उस वचन का. आर यू गेटिंग मी? When the revelation of the word of God will come, it will bring forth fruits. जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपके जीवन में आएगा तो निश्चय ही वो फल लेके आएगा. Amen, church? Amen. We have to become like Mary. हमको मरियम के जैसे बनना है. For example, उदाहरण, a person is sick. एक व्यक्ति बीमार है. Okay, now he can feel the pain. तो अब हो सकता है कि उससे दर्द महसूस हो. His reports are showing that he is sick. उसकी जो डॉक्टर वाली रिपोर्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि वो बीमार है. In every angle he can touch the area and feel the pain. हर रीति से अगर वो उस स्थान को छुए जहाँ पर दर्द है तो उसे दर्द महसूस होता है. And physically he knows that he is sick. और शारीरिक रूप से उसे पता है कि वो बीमार है. But when you open his word, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, and the revelation of healing comes in your life, और चंगाई का वो प्रकाशन आपके जीवन में आएगा. And when you say, let it be done to me as per your word, और जब आप ये कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा ही हो तेरे वचन के अनुसार. What does that word say? और क्या वचन कहता है? That by his stripes we were healed. कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके थे. And when you say, no, I'm sick, और जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं बीमार हूँ, you are saying that God is a liar. तो आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर झूठा है. Are you getting it, church? क्या आपको समझ आ रहा है? We don't believe the word of God, we rather believe the word of a doctor. हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय हम डॉक्टर के वचन पर विश्वास ज्यादा करते हैं. Many times, you know, people come for prayers. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं प्रार्थना के लिए. And I understand they want us to know what their problem is. और मुझे पता है कि वो चाहते हैं कि हम समझें कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. But they go on and on. But the doctor said, I won't live for more than 6 months. But my reports tell us this. But my report says this. But I went to this doctor and I went to that doctor and I went to this doctor. He also said I won't live. And he also said. तो अपनी समस्याओं के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये बोला है, मुझे ये बीमारी है, मैं इस दुख से गुजर रहा हूँ और इसी तरह की बात. बाइबल सेज बाय स्ट्राइप्स यू आर हील एंड दे जस्ट इग्नोर इट. और वचन ये बताता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके थे. यू नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मैरी वुड हैव जस्ट इग्नोर द एंजल. ओ बट यू डोंट अंडरस्टैंड. ओ इफ आई विल गेट प्रेग्नेंट व्हाट विल पीपल से. आई एम नॉट इवन मैरिड, आई एम अ वर्जिन. ओ यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट इजी फॉर मी एंजल. और क्या होता कि अगर मरियम भी ये कहती कि नहीं मैं अभी गर्भवती नहीं होना चाहती, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, सब क्या कहेंगे. But when that one word came, she stopped and she said, let it be done to me as per your word. लेकिन जब वो वचन मरियम के पास आया तो वो ठहर गई और उसने उस वचन को ग्रहण किया और कहा कि मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो. You don't need to tell God what will happen when you do this and that. He already knows it. तो आपको परमेश्वर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, वो पहले से ही जानता है. When he tells you that he is going to put you in a place of position, you don't have to tell him that I don't have any qualification. He knows it. तो जब प्रभु आपसे बोलता है कि वो आपको एक ओहदे वाली जगह में रखना चाहता है और आप उससे कहेंगे नहीं मुझ में योग्यता नहीं है ये करने की. But many times people are just blabbering and not listening to the words that Lord is saying. तो बहुत बार क्या होता है कि लोग बस बड़बड़ आते रहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, इसके बजाय कि वो परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें. बट यू नीड टू स्टॉप. आपको ठहरना है. यू नीड टू रिप योर माउथ. आपको अपने जबान पर लगाम लगानी है. एंड यू नीड टू से दैट लॉर्ड लेट ऑल्दो इट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम माय फिजिकल सिचुएशंस बट लेट इट बी डन अनटू मी एज पर योर वर्ड. तो आपको परमेश्वर के बताना है कि प्रभु शारीरिक तौर पर यह संभव नहीं है लेकिन तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. व्हेन जीसस केम टू पीटर ही सेड पीटर ही रिक्वेस्टेड फॉर हिज बोट. तो जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आए और पतरस से उसकी नाव के लिए मांगा. यू कैन रीड दैट इन ल्यूक चैप्टर 5. आप लूका 5 में पढ़ सकते हैं. एंड जीसस प्रीच्ड फ्रॉम हिज बोट एंड देन जीसस सेड ओके टेक मी इनटू द डीप वाटर्स. तो यीशु मसीह ने
पतरस की उस नाव में खड़े होकर प्रचार किया और फिर पतरस से कहा कि गहरे में ले जा. And Peter said, Master, we have toiled all night and have not catched any fish. और पतरस ने कहा स्वामी हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन हम कुछ भी मछलियां नहीं पकड़ पाए. Okay, and Peter was an expert fisherman. और जो पतरस था वो एक दक्ष एक कुशल मछुआरा था. He said, no fish. उसने कहा कि कोई मछली नहीं है. But लेकिन because you have said, क्योंकि तूने कहा है, I will take my boat to the मैं अपनी नाव को गहरे में लेके जाऊंगा. No matter what you feel, no matter what you see, you tell him, but because your word says so, I am going to do it. फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, लेकिन आप उससे सिर्फ इतना कहें कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो. Do you know many people get their miracle by their mouth and many people lose their miracle because of their mouth? क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने चमत्कार को ले नहीं पाते अपने मुख के द्वारा और बहुत सारे लोग लेते हैं अपने मुख के द्वारा. Amen. Amen. Praise God. So let us go to Luke chapter 1 from 5 we will read. ये लूका अध्याय 1 और हम पढ़ेंगे 5वीं आयत से. There was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron and her name was Elizabeth. यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था. ओके सो देयर इज अ प्रीस्ट नेम्ड जकरिया. तो एक पुजारी है उसका नाम जकरिया है. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. Okay. उनके कोई भी संतान न थी. I want to tell you that even though you are walking perfectly, if you don't control your mouth, you're going to lose your miracle. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यद्यपि अगर आप सिद्ध रीति से भी चल रहे हैं और अपने मुख में आप लगाम नहीं लगाते तो आप अपना चमत्कार खो सकते हैं. Okay, next verse. But they had no child because Elizabeth was barren and they were both well advanced in years. उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे. Verse 8. So it was that while he was serving as priest before God in the order of his division, तो जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था. Verse 9. According to the custom of the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए. Verse 10. And the whole multitude of the people was praying outside the hour of incense. और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी. Verse 11. Then an angel of the Lord appeared to him, to Zacharias, standing on the right side of the altar of incense. कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ जकरियास को दिखाई दिया. Okay, verse 12. And when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया. Okay, verse 13. But the angel said to him, Do not be afraid, Zacharias, for your prayers is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Now again, a sent angel is given a word for Zacharias. फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया उसने जकरिया को एक शब्द दिया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे जकरिया भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना. ओके वर्स 14. एंड यू विल हैव जॉय एंड ग्लैडनेस एंड मेनी विल रिजॉइस एट हिज बर्थ. और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे. व्हाट अ वंडरफुल वर्ड. कितना अद्भुत सुंदर वचन. इन द सेम वे व्हेन वी गिव व्हेन लॉर्ड गिव्स अ वंडरफुल वर्ड टू समवन इंस्टेड ऑफ सेइंग आमेन. और उसी रीति से जब परमेश्वर बहुत ही अद्भुत वचन देता है और आमेन कहने के बजाय. सम पीपल आर लाइक ज़कारियास. ओके वर्स 15. फॉर ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड शैल ड्रिंक नीदर वाइन नॉर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक. ही विल आल्सो बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इवन फ्रॉम हिज मदर्स वूम्ब. क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाख रस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा. वर्स 16. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा. Verse 17. He will also go before him in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord. वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए
और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। See, such detailed word has come to Zacharias. कितना डिटेल एक वचन आया जकरिया के लिए परमेश्वर की ओर से। 18. And Zacharias said to the angel, "How shall I know this?" जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? Many people we pray their cancer gets healed, they say, but how shall I know this? बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका कैंसर चंगा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं? Now see, for I am an old man and my wife is well advanced in years. और उसने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। Okay, verse 19. And the angel answered and said to him, I am Gabriel, who stands in the presence of God. Now the angel is saying, you did not recognize who I am. That's why you did not receive the word that I came. तो अब वो स्वर्गदूत गैब्रियल उसे बता रहा है कि तूने मुझे पहचाना नहीं कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, और इसी कारण उसने उससे वचन ग्रहण नहीं किया। Okay, verse 20. But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें, उस दिन तक तेरा मुंह बंद हो जाएगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। सो इफ यू डाउट, तो यदि आप संदेह करते हैं, गो टू अ केमिस्ट शॉप एंड बाय अ व्हाइट बैंडेज। तो आप केमिस्ट के पास जाइए और कोई बैंडेज खरीद लीजिए। ओके, एंड पुट इट ऑन योर माउथ एंड वेट अंटिल यू सी योर मिरेकल, बट डोंट स्पीक एंड रियून योर मिरेकल। और अपने मुख में लगा लीजिए और तब तक मत बोलिए जब तक कि वो चमत्कार आपके जीवन में फल लेके नहीं आ जाता। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक गुड, इफ यू डोंट नो हाउ टू एग्री विद द लॉर्ड, जस्ट सील योर माउथ। तो यदि आपको अच्छा बोलना नहीं आता और परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं होना आता, तो आप अपने मुख में लगाम लगा लीजिए। दैट इज व्हाट हैपेंड विद ज़करायाह। ज़करायाह के साथ ऐसा ही हुआ। सॉरी, ज़करायाह। सी, गॉड न्यू दिस गाय, this person could ruin the miracle that I am about to give him. क्योंकि परमेश्वर को यह बात पता थी कि ज़करिया ऐसा पुरुष है कि वो परमेश्वर के उस चमत्कार की धज्जी उड़ा देगा। And I know such people whom God has kept wonderful things, but they have delayed them because of their mouth. और मैं परमेश्वर के उन लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े चमत्कार रखे, लेकिन उन्होंने उसको नष्ट कर दिया अपने मुख के कारण। इफ यू से दैट यू कैन नॉट से राइट, आई एम वेरी सीरियस, बाय अ व्हाइट बैंडेज एंड जस्ट सील योर माउथ। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं कि अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो आप केमिस्ट शॉप में जाइए और सच में अपने मुख में वो लगाम लगा लीजिए, वो बैंडेज लगा लीजिए। डोंट स्पीक एनीथिंग विच विल टेक अवे योर मिरेकल। लेकिन कुछ भी ऐसा ना बोलिए कि जो आपसे आपके उस चमत्कार को छीन ले। कैन यू सी द डिटेल्स इन विच द एंजल एक्सप्लेन टू ज़करियास? क्या आप उन बातों को देख सकते हैं जो उस स्वर्गदूत ने ज़करिया को बताई? नेक्स्ट टाइम वेन यू हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, अगली बार जब परमेश्वर के वचन को आप सुने, नेक्स्ट टाइम वेन अ वर्ड इज सेंट टू यू, अगली बार जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है। ओके, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैरी एंड ज़करियास वर नॉट बॉर्न अगेन। मरियम और ज़करिया दोनों में से कोई भी नया जन्म पाया हुआ नहीं था। बट यू गाइज आर बॉर्न अगेन, लेकिन आप नए जन्म पाए हुए हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड बियर्स विटनेस विद योर स्पिरिट, और परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ सहमति रखता है। सो इफ यू आर जस्ट रिलैक्सिंग इन योर हाउस, तो अगर आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं अपने घर पे, एंड गॉड स्पीक्स टू यू इन अ सिंपल स्टिल स्मॉल वॉइस, और परमेश्वर का आत्मा आपसे मंद धीमी आवाज में बात करता है। इट इज एज पावरफुल एज द एंजल हु ब्रॉट दिस वर्ड, ये उतना ही सामर्थ्य है जितना कि एक स्वर्गदूत का आपके पास आना और वचन बांटना। रेदर देन डाउटिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, यू शुड से लेट इट बी डन अनटू मी एज पर योर वर्ड। संदेह करने की बजाय अगर हम ये कहें कि मेरे साथ वैसा ही हो तेरे वचन के अनुसार, तो आपके जीवन में होगा। एंड देन सील योर माउथ, और उसके बाद अपने जबान पे लगाम लगा दीजिए। आमेन। And if you have believed the word that has come from Lord, praises will start to flow out of you. तो अगर आप परमेश्वर के द्वारा जो वचन भेजा गया विश्वास करें, तो आपके मुख से धन्यवाद और स्तुतियां परमेश्वर के लिए निकलेंगी। Amen. Amen. Now I don't know what your need is and what kind of need has brought you here in this place. और मुझे इस बात का पता नहीं है कि आपको कौन सी चीज, कौन सी आपकी जरूरत है जो आपको यहाँ पर लेके आई है। But I want to tell you that your miracle is in the word of God. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका चमत्कार है वो परमेश्वर के वचन में है। It is not in angels. ये स्वर्गदूतों में नहीं है। It is not in dreams and visions. ये सपनों और दर्शनों में नहीं है। The power is in the word that those things bring. सामर्थ प्रभु के वचन में है।
when he showed a vision to Peter, that was a message that the salvation which was for Jews has come to Gentiles. जब परमेश्वर ने पत्रस के पास दर्शन भेजा तो वो इसलिए था कि जो उद्धार है वो यहूदियों से अन्य जातियों के लिए आ गया है. नो दिस, जान लीजिए इस बात को. द पावर इज नॉट इन द विजन. सामर्थ दर्शनों में नहीं है. द पावर इज नॉट इन द एंजल हु कम्स टू योर रूम. सामर्थ उन स्वर्गदूतों में नहीं है जो आपके पास आते. द पावर इज नॉट इन द ड्रीम दैट यू हैव सीन. सामर्थ उस सपने में नहीं है जो आपने देखा. द पावर इज इन द वर्ड दैट हैज बीन ब्रॉट टू यू. सामर्थ उस वचन में है जो आपके पास लेके आया गया है. एंड व्हेन द पावर इज इन द वर्ड व्हिच कम्स इन योर हार्ट एज अ स्टिल स्मॉल वॉइस इज एज पावरफुल एज एन एंजल हु ब्रिंग्स द वर्ड टू यू. तो वचन जो एक परमेश्वर की उस मंद धीमी आवाज के द्वारा आता है वो उतना उससे भी ज्यादा सामर्थ्य जो एक स्वर्गदूत लेके आता है. वेयर शुड बी आवर फोकस. हमें कहां केंद्रित करना चाहिए. शुड बी इन द वर्ड of God which will change our lives. Hamara dhyan parmeshwar ke vachan par hona chahiye jo hamare jeevan ko badalta hai. Believe me, I have seen so many people, every time they pray they just see things but I don't see a change in their lives. Main bahut logon ko janta hu ki jo bahut sari cheezon ko dekhte hain sapnon darshanon ko lekin unke jeevan mein kuch bhi badlav nahi aaya. And there are no messages to those visions. Aur un darshanon mein koi sandesh nahi hai. God sends a perfect message, a clear message. परमेश्वर एक सिद्ध संदेश के साथ कुछ भी हमें दिखाता है. द वर्ड ऑफ गॉड गाइड्स अस. परमेश्वर का वचन हमें दिशा देता है. आर यू विद मी चर्च. क्या मेरे साथ. व्हेन गॉड विल गिव यू अ मैसेज द पावर इज इन द वर्ड दैट कम्स टू यू. सामर्थ परमेश्वर के वचन में है जो आपके पास भेजा गया है. ओके, लेट्स इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दैट एंजल केम टू मैरीज रूम. अच्छा, आप कल्पना करें कि अगर वो स्वर्गदूत मरियम के पास आया. ओके, फॉर एग्जांपल, एंड द एंजल इज फ्लाइंग इन द रूम. और स्वर्गदूत उस कमरे में उड़ रहा है. एंड देन एंजल गोज अवे. और उसके बाद स्वर्गदूत चला गया. सो मेनी पीपल से आई सॉ एन एंजल फ्लाइंग इन माई रूम. ओके, आई से देन व्हाट डिड ही से. No, he just flied and he went away. तो बहुत सारे लोग भी ऐसे कहते हैं कि एक स्वर्गदूत आया तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा उसने क्या कहा. तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं कहा, वो बस उड़ रहा था. ओके, सो इफ एन एंजल ही वुड हैव कम एंड जस्ट ही वाज फ्लाइंग इन मैरीज रूम एंड देन ही हैड गॉन. वुड मैरी हैव कंसीव्ड. तो आप कल्पना कीजिए कि अगर वो स्वर्गदूत मरियम के कमरे में आता और उड़ता और उससे कुछ न कहता तो मरियम के साथ जो हुआ वो होता. इट वॉज नॉट द एंजल. ये स्वर्गदूत नहीं था. इट वॉज द वर्ड दैट वॉज सेंट फ्रॉम द लॉर्ड थ्रू दैट एंजल दैट हैड द पावर ऑफ गॉड. ये वो वचन था जो उस स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की ओर से भेजा गया था जिसमें सामर्थ्य थी. आमेन चर्च. आमेन. 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 एंड वन टाइम यू नो लॉर्ड जीसस ही स्पोक टू अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड कॉल्ड केनेथ हेगन. ही सेड माई पीपल मिस माई वॉइस बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्पेक्टेकुलर. तो एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उनके एक जन है केनेथ ई हेगन उनसे कहा कि जो मेरे लोग हैं वो मेरे बातों को इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भयावह चाहिए परमेश्वर से. एंड दैट इज सो कॉमन यू नो द पीपल ऑफ गॉड विल नॉट रिसीव दोज preachers, those teachers who would simply preach from the word of God. और ये बहुत ही साधारण बात है. अब ऐसा हो गया है कि अब लोग उन प्रचारकों को ग्रहण नहीं करते कि जो बहुत ही एक साधारण तौर पे परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं. You know, they are looking for something exciting, something more. क्योंकि उन्हें एक बहुत उत्साह भरा कुछ चाहिए. So, if they see some action and thus says the Lord, you know, you don't have to say thus says the Lord to give his message. You can give it plainly as well. See, the power is not in the man of God. The power is in the God of man. देखिए सामर्थ परमेश्वर के उस जन में नहीं है लेकिन सामर्थ उस परमेश्वर में है जो उस जन में. The power is not in the man of God. The power is in the God of that man. अच्छा सामर्थ परमेश्वर के उस जन में नहीं है लेकिन सामर्थ उस परमेश्वर में है जो उस जन में. What people have done is, oh, if that man prays for me, then it will happen. No, the power is not in that man's prayer. The power is in the word that comes through that man. सामर्थ उस परमेश्वर के जन में नहीं, लेकिन सामर्थ उस परमेश्वर में है जो उस जन के अंदर है. Amen. Are you getting it, church? Amen. Power is in the word of God. सामर्थ परमेश्वर के वचन में. The power is in the word of God. Say it after me. The power is in the word of God. आइए मेरे साथ कहिए कि सामर्थ परमेश्वर के वचन में है. Let us confess this. और आइए हम इसका अंगीकार करें. Whatever the word says about me. जो कुछ भी परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है. Let it happen to me. ऐसा ही मेरे जीवन में हो. Amen. Amen. Every promise that the Bible promises for me, let it happen to me as per the promises of God. हर एक वायदा जो बाइबल मुझको देती है वो मेरे जीवन में हो. So if doctor has told you have few months to live,
तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, so there is a word of doctor, तो एक तरफ है डॉक्टर का वचन, but then there is the word of God who says, with long life I will satisfy thee and show you my salvation. तो दूसरी ओर प्रभु का वचन है जो कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा. Amen. Amen. If somebody has given you a word that you will always live in lack because you are good for nothing. किसी ने आपको ये वचन दिया है कि तुम हमेशा घटी कमी में रहोगे क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं. But then there is the word of the Lord which says, the Lord is my shepherd, I shall not want. और दूसरी ओर परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. So if you tell to the doctor, let it happen to me as per your word. और अगर आप डॉक्टर से बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में वैसे ही हो तेरे वचन के अनुसार, after 3 months, 3 महीने के बाद. Okay, but if you tell Lord, Lord, let it happen to me as per your word, you are going to live a long, sickness-free, healthy, prosperous life. Amen. अगर आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो तो आप दीर्घायु से तृप्त होंगे. Let it be done unto me as per your word. मेरे साथ वैसा ही हो तेरे वचन के अनुसार. People's opinions, their words are going to fail in your life when you will stick to God's opinion and God's word. Amen. लोगों की राय जो आपके बारे में है वो असफल होगी जब आप अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर लगाएं. Amen. Amen. So church, it does not matter what doctors, what experts, what financial analysts, no matter what they are saying, we will stick to what our Lord says. Amen. तो लोग फर्क नहीं पड़ता कि लोग डॉक्टर्स आपके बारे में क्या कहते हैं जब तक आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं. Amen. People are saying, oh, different diseases are coming now, different plagues are outbreaking. लोग कहते हैं कि बहुत सी महामारियां आ गई हैं, बहुत सी बीमारियां आ रही हैं. Okay, but the word of the Lord says, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? No plague shall come near your dwelling. Amen. कोई भी महामारी, कोई भी रोग मेरे घर के आसपास भी नहीं आएगा. Today I don't know what your need is. मैं ये नहीं जानता कि आप जरूरत क्या है आज. But whatever your need is, लेकिन जो कुछ भी आपकी जरूरत है, I want you to start declaring that let it be done unto me as per your word. मैं चाहता हूं कि आप सबके सब इस बात की घोषणा करें कि मेरे साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो. If you are believing for a family member to be saved for years and he is not saved. अगर आप चाहते हैं किसी परिवार वाले के लिए कि जिसको उद्धार नहीं मिला है सालों से. And you might feel discouraged sometimes and people would have said so many things. और आप बहुत बार हतोत्साहित महसूस करते हैं और बहुत लोगों ने आपके बारे में बहुत बहुत बोला है. It does not matter. The word of God says, if you shall confess with your mouth that Jesus is Lord, you and your household shall be saved. तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करे और दिल में विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. And I want to tell you all the people who are under this roof. और मैं हर एक जन से कहता हूँ जो इस छत के नीचे खड़ा है. Let me give you a word. मैं आपसे एक वचन बांटता हूँ. राइट नाउ रिसीव इट. अभी आप इसे ग्रहण करें. यू एंड योर हाउस होल्ड शैल बी सेव्ड. आप Amen. और आपका घराना उद्धार पाएगा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु. लेट अस शाउट प्रेज़ेस टू द लॉर्ड. थैंक यू फादर. We magnify your name, O Lord. All the generations will call us blessed. Thank you, Father.